कलकत्ता हाईकोर्ट ने बुधवार को एक फैसला सुनाते हुए ममता बनर्जी सरकार के उस प्रावधान को रद्द कर दिया जिसके तहत 2010 में उसने ओबीसी आरक्षण में मुस्लिम कोटा लागू किया था। पश्चिम बंगाल में चुनाव के बीच आए इस फैसले का असर यूपी बिहार तक देखा जा रहा है। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने इसे हिंदुओं पर प्रहार बताया है, जबकि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ममता सरकार के लिए करारा तमाचा कहा। बता दें कि कलकत्ता हाई कोर्ट ने राज्य सेवा के विभिन्न पदों पर इस तरह के आरक्षण को अवैध करार देते हुए कहा कि इन समुदायों को ओबीसी घोषित करने के लिए धर्म को आधार बनाया गया है। कोर्ट ने यह भी कहा कि राजनीतिक उद्देश्य के लिए मुस्लिम समुदाय के कुछ वर्गों को ओबीसी आरक्षण देना लोकतंत्र का अपमान है। कोर्ट ने इसे आयोग की जल्दबाजी में लिया गया निर्णय बताया है। वहीं इस मामले को लेकर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि कोलकाता हाईकोर्ट का फैसला स्वागत योग्य है। धर्म के आधार पर आरक्षण की इजाजत संविधान नहीं देता है। पश्चिम बंगाल की टीएमसी सरकार ने राजनीतिक तुष्टिकरण के चलते 2010 में 118 मुस्लिम जातियों को ओबीसी में डालकर उन्हें आरक्षण दिया था। यह ओबीसी की हकमारी थी। हाईकोर्ट ने टीएमसी सरकार के फैसले को पलटकर जोरदार तमाचा मारा है। वहीं केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कलकत्ता हाईकोर्ट के इस निर्णय पर अपना रिएक्शन देते हुए कहा कि मुसलमानों को दिया गया आरक्षण हिंदुओं पर प्रहार है, इस पर दोबारा विचार करने का समय आ गया है। उन्होंने दावा किया कि हिंदू एकजुट न हुए और मुस्लिम आरक्षण का विरोध न किया तो आने वाले दिनों में भारत पाकिस्तान बन जाएगा। फिलहाल इस खबर को लेकर आपका क्या कुछ कहना है कमेंट कर हमें जरूर बताएं। लखनऊ से ब्यूरो रिपोर्ट, ब्रेकिंग ट्यूब।